जय हिंद एवरीवन, आई एम कैडेट रुचिका पांडे फ्रॉम पीपल्स यूनिवर्सिटी भोपाल, 4 MP गर्ल्स बटालियन। आज मैं आपको क्विट इंडिया की थोड़ी ब्रीफिंग देना चाहूँगी, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि क्रिस मिशन के फेल होने के बाद इंडियंस को रियलाइज़ हो गया था कि इस वर्ल्ड वॉर 2 में गवर्नमेंट हमें कुछ भी रियल कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए तैयार नहीं है, और इवन इंडियन इकोनॉमी भी फॉल हो रही थी और इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा था। तो इससे नॉर्मल पब्लिक मासेस जो थे वो काफ़ी परेशान थे। तो गांधी जी को पता था कि अगर हम जापानीज अटैक, क्योंकि जापानीज ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे वर्ल्ड वॉर 2 में, तो अगर हमें जापानीज अटैक से बचना है और इकोनॉमी को सुधारना है तो हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से बाहर निकाल देना पड़ेगा इंडिया से। इन जुलाई 1942 कांग्रेस कमेटी इन वर्धा डिसाइडेड टू स्टार्ट मास मूवमेंट इन द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। ऑन 9 अगस्त 1942 गांधी जी केम टू ग्वाली टैंक, विच इज ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति मैदान, स्टार्टेड मास मूवमेंट एंड गिव द स्लोगन डू और डाई एंड स्टार्टेड द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। He gave instruction to government officers, soldiers and peasants. He gave instruction to government officers that कि आप वहीं गवर्नमेंट में रह के कांग्रेस का ओपनली सपोर्ट करो। सोल्जर्स को ये कहा गया कि आप अपने पीपल्स पर कभी फायर मत करो, और पीजेंट्स को ये कहा गया कि टैक्स और रेवेन्यू को बायकॉट करो। पर मास मूवमेंट स्टार्ट होने के कुछ ही घंटों बाद लीडर्स को बार के बिहाइंड जाना पड़ा, इवन गांधी जी को भी। गांधी जी को नज़रबंद कर दिया गया आगा खान पैलेस में। वॉयलेंस ऑल्सो हैपन ड्यूरिंग दिस मोमेंट, एंड हमने देखा कि पैलेट गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिश हुई इस मोमेंट में, बलिया में, उड़ीसा में, झारखंड में, क्योंकि कुछ स्टेट्स टेम्प्रेरी फ्री हो चुके थे गवर्नमेंट से। और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी नो की कितनी क्रूअल थी, तो उसने ब्रूटली अटैक करवाया हमारे प्रोटेस्टर्स पर। और इवन दिसंबर 1942 तक अराउंड वन लैख प्रोटेस्टर अरेस्ट हो चुके थे। इसीलिए कांग्रेस लीडर्स एंड जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम अंडरग्राउंड नेटवर्क स्टार्ट करेंगे। इससे अंडरग्राउंड नेटवर्क में ऐसा हो रहा था कि हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन मूवमेंट को अंडरग्राउंडली चला रहा है। इससे कुछ न्यू लीडर्स भी फॉर्म हुए। उषा मेहता, जिसे हम उषा बहन भी कहते हैं, उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया बाय कांग्रेस रेडियो ब्रॉडकास्ट के द्वारा। फिर उसके बाद गांधी जी जानते थे कि ये मास मूवमेंट नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा है, तो वो 21 डे के फास्ट में चले गए। इससे आम पब्लिक में बहुत नेगेटिव पैक्ट भी गया, क्योंकि सारी मासेस जानते थे कि गांधी जी की ऑलरेडी तबीयत ख़राब है, एंड जानते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट हमें आज़ादी नहीं दिला पाया, पर इसने एक अलग ही एनर्जी फ्लो कर दी थी हमारे सिस्टम में, जिससे नेशनलिस्ट पैदा हुए थे, राइज ऑफ नेशनलिस्म हो गया था, पब्लिक मोराल बढ़ चुका था और एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स स्टार्ट हो गए थे।